एंड ये जो वेरिएंट है ना टाटा पंच का ये थोड़ा बहुत हटके है मतलब वही एक्स ई एक्स एम एक्स जेड एक्सिट प्लस एक्सिट प्लस ऑप्शनल ऐसा कुछ नहीं टाटा पंच का वेरिएंट स्टार्ट होता है फ्रॉम योर देन एडवेंचर देन एकन क्रिएटिव क्रिएटिव इज द टॉप एंड मॉडल एंड दिस इज द एडवेंचर एडिशन मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एडवेंचर से ही स्टार्ट होता है ए का ऑप्शन अगर आपको ऑटोमेटिक में लेना है देन यूनिट टू फॉर एडवेंचर ऑटोमेटिक अगर बजट थोड़ा बहुत कम है और नहीं तो आपको क्रिएटिव भी मिल जाएगा एंड उसके साथ एकोम्प्लिस्ट के साथ भी आपको ए का ऑप्शन मिल जाएगा एंड ये जो कलर है ना टाटा पंच का इट इज इट इज नोन एज ट्रॉपिकल मिस्ट एंड एडवेंचर एडिशन जो है टाटा सफारी का इट लुक्स लाइक दैट

बट वन मोर थिंग ये वीडियो तो होगा रियल लाइफ रिव्यू। रिव्यूनिट अनादर वीडियो जहाँ पे हम लोग ये बताएंगे कि वट इज योर परस्पेक्टिव कि आप क्यों लिए ये गाड़ी इतना सारा ऑप्शन होने के बाद भी uh -huh. तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है लेकिन ये वीडियो में डेडिकेटेडलीफ रिव्यू एंड ओवरव्यू देंगे गाड़ी का एक्जैक्टली क्या कुछ मिलता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूट्यूब में वीडियो है लेकिन आप लोग जानना चाहते हो कि गामा आपका परस्पेक्टिव अब आप शेयर करके बताओ बट बिफोर मूविंग इन टू द मेन सेक्शन ऑफ द वीडियो लेट मी शेयर सम ऑफ दि सिनेमेटिक शॉर्ट जो कि शुदीप्त तो ने लिए तो सुदीप्त तो वो अभी दिखा देते हैं ठीक है एंड अगर अच्छा लगा तो बताना अगर बुरा लगा तो सुदीप्त तो को डीएम करके इंस्टाग्राम में फिर बता देना क्योंकि ये सारे सिनेमेटिक <laughs> शॉर्ट तो गामा ने नहीं लिए सुदीप्त ने लिए तो, तो आप लोग एंजॉय कर लो सिनेमेटिक शॉर्ट लवली म्यूजिक उसके बाद फिर मिलते हैं सो हियर इज दी कार एंड जस्ट लुक एट दायमेंशन ऑफ दिस कार मतलब एक ए वाला फीलिंग तो आपको आराम से मिल जाएगा इन दिस कार एंड वही के वी हंड्रेड जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस था मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है वही है क्विट से थोड़ा बहुत ज्यादा आपको दिखता है नेक्सॉन्ग से थोड़ा बहुत छोटा दिखता है बट uh, मुझे जो चीज़ फील हो रहा है कि ये गाड़ी लेने का एक ही मकसद हो सकता है कि अगर आपको एक हैचबैग के साइज में अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए हाइट थोड़ा बहुत ज्यादा चाहिए देन दिस इज राइट कार फॉर यू क्योंकि बजट ओरिएंटेड गाड़ी है जहां पे आपको स्पेस भी मिल जाएगा उसके साथ 187 एट्टी सेवन का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि आपको कोई भी हैचबैग उठा लो आप वन सिक्सटी एट मिलता है इन दी ऑल्ट्रोज और नहीं तो कोई भी आप प्रीमियम हैच बैग उठा लो ये बजट के अंदर ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा नहीं तो दिस आर ऑल दी पॉइंट जहाँ पे आप लोग ले सकते हो ये गाड़ी एंड द स्पेशल पार्ट अबाउट दिस टाटा जो कि मुझे फील होता है फ्रॉम दी रेयर सेक्शन देखो भाई लुक जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव मैटर होता है किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं भी अच्छा लगता है लेकिन मुझे टाटा नेक्सॉन टाटा पंच का जो रेयर वाला लुक है वो बहुत ही यूनिक सा लगता है बहुत सारे गाड़ी के भीड़ में अगर ये गाड़ी को आप देखोगे तो यू कैन डिफरेंशिएट दिस कार फ्रॉम ऑल दी दी अदर ऑप्शन इन मार्केट बिकॉज ये टेल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का ओवरव्यू जस्ट लुक एट दी टेल लाइट ये साइड करके ट्राई वाला डिजाइन जो कि पेटेंट डिजाइन है टाटा में एंड हैलोजन लाइट ही आपको मिलता है पीछे बैक लाइट में एडवेंचर एडिशन इन कोलकाता तो विल कॉस्टू अरावन लैक टेन थाउजेंड ऑन रोड पीछे में आपको दो सेंसर मिलता है एंड इधर पे है पंच का बैचिंग तो आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर एंड रिफ्लेक्टर के साथ वही सेम ट्राई पैटर्न में अगर ये कुछ डिजाइन है आफ्टर मार्केट ऑप्शन अभी तक तो आई डोंट थिंक सो मिला है कोलकाता में अगर मिल जाए तो आप लोग वहां पे रिफ्लेक्टर अपग्रेड कर सकते हो नाउ लेट्स कम टू दिस साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार जस्ट लुक एट दिस इज ह्यूज एंड बल्की वाला लुक ना ये गाड़ी के अंदर एकदम भर भर के आपको मिलता है नाव लेट्स गो टू दिस सेक्शन दिस इज लाइक सो यूनिक टाटा ऑल्ट्रोज में भी है पहले बीट में आते थे बाद स्विफ्ट में आए देन जाके अभी ऑल्ट्रोज में आए उसके बाद अभी टाटा ने क्या किया ये पंच के अंदर भी सेम चीज दे दिए जिन लोगों को पता है वो तो ठीक है जिन लोगों को पता है, नहीं है तो दे विल जस्ट फाइन की वेर इज द डोर हैंडल कैसे इसको ओपन करे तो दिक्कत तो हो सकती है लेकिन दिस इज सो यूनिक जस्ट हियर द साउंड ये तो भाई काफी सैटिस्फाइंग है क्योंकि ये सारे चीज के लिए लोग टाटा में ऑप्ट कर रहे हैं आजकल एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट टाटा पंच लॉन्च होने के बाद ही इन कैप रेटिंग में फाइव स्टार मिल गया टाटा पंच वेल टॉक अबाउट तो पंचमीएम आपको ऑटो फोल्डिंग नहीं मिलता है इन दी एडवेंचर एडिशन बट इंटीग्रेटेड यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड का ऑप्शन मिल जाता है बॉडी कलर में है ये लोअर पोर्शन इज इन दी ब्लैक सो टोन के ऊपर है डोर हैंडल भी आपको मिल जाता है बॉडी कलर के ऊपर

गाड़ी के अंदर देन लेट्स कम टू दी फ्रंट ग्रिल ऑफ दिस कार पूरा ब्लैक के अंदर है कोई भी सिल्वर फिनिश कुछ नहीं है अगेन आई रिपीट दिस इज द मिड वेरिएंट ऑफ टाटा पंच एंड दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर द मनी वेरिएंट ऑफ टाटा पंच इफ आर प्लानिंग फॉर टाटा पंच तो ये उठा लो भाई ये बजट के अंदर मिल जाएगा इसके ऊपर और भी इन्वेस्ट कर दो यू कैन मेक इट एज अ टॉप मॉडल कार ओनली जो दो लाइट फिट हो रखा है ये भी आफ्टर मार्केट फिटिंग ही है ट्राई एरो गैपिंग है ये अच्छा तो दिख रहा है साइड से मतलब सामने से भी अच्छा दिख रहा है लेकिन बारिश हो गया उसके बाद कोई भी पानी के ऊपर अब चलाओगे तो अंदर में पानी जाने का चांसेस बहुत हाई हैोगो ऑफ टाटा सो लेट मी स्विच ऑन दी हेड सो दिस इज दी डी आर एल था डीआरएल एंड ये साइड में इंटीग्रेटेड आपको

कैसा है? Not now, after some time. तो वीडियो में बने रहो। uh, इधर पे आपको मिलता है सिंगल डिन का एक म्यूजिक सिस्टम ऑफ हार्मोन कार्डियन जो की एकदम डिस्टेंट साउंड प्रोवाइड करेगा तो ये दो साइड में तो ट्विटर का ऑप्शन मिलेगा जस्ट लुक एट दिस Uh, ये जो है ब्लैक बेज एंड थोड़ा बहुत सिल्वर फिनिश के ऊपर भी काम हो रखा है तो बहुत फील तो एंड पर्सनली आई लाइक ब्लैक इंटीरियर तो वो भी है उसके साथ टोन का जो फिनिश है वो भी है तो एरी भी फील होगा एंड स्पोर्टी फीलिंग भी आपको आराम से मिल जाएगा एडजस्टेबल आई एफ वी एम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि नेक्सॉन में भी नहीं देता है कंपनी नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सीट कंफर्ट सीट इज लाइक सो कंफर्टेबल सो सॉफ्ट एंड साइड से प्रॉपर होल्डिंग है तो आराम से यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग 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 ड्राइव नाउ लेट मी चेक आउट दि ग्लव बॉक्स ऑफ दिस इन दिस सेक्शन बिकॉज ग्लव बॉक्स का सेक्शन कुछ खास है नहीं बट ऊपर में आप थोड़ा बहुत फाइल टाइल कुछ रख सकते हो बट ये जो गलव बॉक्स का सेक्शन है यहाँ पे थोड़ा बहुत ही चीज आ सकता है इन एवरी डोर यू कैन स्टोर एटलीस्ट वन लीटर बॉटल ये सेंटर कंसोल के अंदर आपको मिल जाएगा टू कप होल्डर पावर सॉकेट एंड इधर पे क्या एक फोन आ सकता है हाँ जी आराम से एक आई फोन ऑन नहीं तो एक फाइव पॉइंट फाइव डिस्प्ले वाला तो सिक्स इंच डिस्प्ले वाला फोन भी आराम से आ सकता है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार की ये जो एसी का सेक्शन है

एडवेंचर वेरियंट के अंदर यू विल गेट ऑल दी ऑप्शन टू कंट्रोल योर म्यूजिक एंड यूनिक थिंग वी टाटा डीड इन दिस कार दैट इज ये एसी वेंट देखो काफी यूनिक सा डिजाइन है ऐसा नहीं कि ऑल्ट्रो से उठा के टीका नहीं तो नेक्सॉन से उठा के एकदम फिट कर दिए टाटा ने काम किए भाई इंटीरियर के ऊपर एक्सटीरियर के ऊपर एकदम प्रॉपर एक फ्रेश डिजाइन लेके आए दिस इज दी बेस्ट बात जो कि होना चाहिए एक अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है इंडियन मार्केट में तो हर एक चीज हर एक डिजाइन तो नया होना चाहिए ना दिस इज द स्विच फॉर हैजर्ड हेजर्ट आपको सेंट्रल लॉक करना है देन आपको ऐसे करके प्रेस करना है देन हो गया ये सेंट्रल लॉक और अगर खोलना है तो ऐसे करके तो सेम जैसे कि आपको मिलता है टाटा ऑल्ट्रोज के अंदर वही चीज है पियानो ब्लैक फिनिश के ऊपर है ज्यादा क्रोम ट्रीटमेंट तो ये वेरियंट के अंदर मिलेगा नहीं आपको And now let's talk about the speedometer console. This is the RPM meter. This is the speedometer. In the middle section there is a small MID जहाँ पे हर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा मतलब uh, instantaneous fuel economy uske baad fuel gauge uske baad distance to empty then the odometer. So now let me check out the space जो कि ऑफर कर रहे थे आधा punch from the rear section. Adjustable headrest का ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं integrated headrest है सामने बस आपको दो adjustable headrest मिल जाएगा. So now let me sit into this car. Ah, क्या बात है भाई? सपोर्ट भी मुझे मिल रहा तो, है आपको होगा नहीं तीन जन तो आराम से बैठ नहीं सकते इन दिस कार दो जन के लिए एकदम कंफर्टेबल है बट दी बेस्ट पार्ट की कोई भी कोई भी थम नहीं है बीच में दिस इज लाइक जस्ट प्लेन जस्ट चेक दिस आउट जस्ट चेक दिस आउट आई एम वेरी सॉरी फॉर लाइट कंडीशन लाइक दिस एंड ये मिडिल में आपको उतना थाई सपोर्ट मिलेगा नहीं जो मिलता भी नहीं है बट ये साइड सेक्शन में एंड दिस सीट इज लाइक सो कम्फर्टेबल सो कम्फर्टेबल एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है ये पावर विंडो का ऑप्शन पीछे में भी ट्विटर का ऑप्शन है अगर आपको मार्केट फिट करना है एडवेंचर वेरियंट के अंदर आप आराम से कर सकते हो यहाँ पे आपको मिलेगा बॉटल होल्डर बूट स्पेस इन टाटा पंच इधर पे आपको मिलता है बूट ओपनर मतलब रिक्वेस्टर <laughs> Okay, you will also get this parcel tray by default with this car. 336 litre ka boot space if I'm not wrong. लाइक सफिशियंट इनफ ऑल्ट्रो से आपको ज्यादा मिलता है ऑल्ट्रो से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी है ऑल्ट्रो से ज्यादा बूट स्पेस भी है ये गाड़ी के अंदर जो इंजन है वो वही टाटा ऑल्ट्रोस का इंजन है वन पॉइंट टू लीटर थ्री सिलेंडर इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है एट्टी फोर पॉइंट फोर एट बी एच पी हंड्रेड एंड थर्टी न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और नाउ विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम क्योंकि लाइट कंडीशन थोड़ा थोड़ा अगर खराब भी हो रहा है तो नाउ लेट्स ड्राइव दिस कार और उसके बाद देखते हैं कि इंजन परफॉर्मेंस जो है ये गाड़ी का वो कैसा है Ghamans, now let me drive this car and thanks a lot to Shubhneel for giving me the opportunity once again. Same आपको जो Nexon XM के अंदर मिलता है, वही same आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे lock, unlock and this for headlight. Now let me drive this car. Connect next powered by Harmon. हाँ जी, start होने के बाद थोड़ा बहुत vibration तो आपको feel करोगे करोगे क्योंकि this is not a four cylinder engine, this is just a three cylinder engine.

सिक्स थाउजेंड आर पी एम एंड दिस इज अन टर्बो इंजिन जो आपको इंजिन मिलता है टाटा ऑल्ट्रोज के अंदर वही सेम इंजिन है ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है बट आई नीड टू एड वन मोर पॉइंट अबाउट दी इंजिन परफॉर्मेंस की टाटा ऑल्ट्रोज मैंने चलाया टू थाउजेंड ट्वेंटी में तो वो टाइम में टाटा ऑल्ट्रोस के ऊपर ना एक थोड़ा बहुत वाइब्रेशन था थोड़ा बहुत लैगी वाला इफेक्ट था बट ये गाड़ी चला के मुझे लग रहा है कि वो ना अपग्रेड हो रहा है शुभ अनिल धीरे धीरे टाटा ने काम किए क्योंकि इसकी हाँ फ्लैट स्पॉट भी नहीं है पंच आपको मिलता है पंच के अंदर एंड प्रॉपर इंजन रिस्पॉन्स है वाइब्रेशन उतना ज्यादा नहीं है एनवीएच लेवल बहुत खास है गाड़ी के अंदर जिसके कारण आपको ज़्यादा कुछ फील नहीं होगा मतलब जो नॉइज फील होता है गाड़ी चलाने के वक्त वो नॉइज आपको फील नहीं होगा स्टीयरिंग फीडबैक के ऊपर अगर बात करें तो टाटा तो मशहूर है स्टीयरिंग फीडबैक के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट वेट स्टियरिंग है एंड आई एम मच श्योर कि अगर आप हाई स्पीड में चलाओगे तो स्टीयरिंग भारी फील होता है आ, होता है कि नहीं शुभ नींद वो, वो होता ही है वो होता ही है वो एडजस्टमेंट होता है टाटा के गाड़ियों के अंदर एंड अगर सिटी में ड्राइव करोगे तो इट्स लाइक सो लाइट एंड स्टीयरिंग फीडबैक इज लाइक माइंड ब्लोइंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट फीडबैक है क्या बात है क्या बात है I'm like लाइक really रियली about अबाउट दिस Tata पंच थैंक्स अ lot टू टाटा फॉर मेकिंग अ कार फॉर इंडियन मार्केट जस्ट लाइक दिस जहाँ पे आपको अच्छा खासा ग्राउंड clearance मिलता है स्पेस मिलता है बजट ओरिएंटेड है एंड और क्या चाहिए और क्या चाहिए भाई क्लच के ऊपर अगर बात करें क्लच इज लाइक सुपर लाइट कोई भी दिक्कत नहीं है सिटी में अगर आपको चलाना है डे टू डे चलाना है डेली ड्राइव करना है सिटी के अंदर तो कोई इश्यूज इसके अंदर आपको होगा नहीं इतना अच्छा अच्छा खासा खासा आप 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 जज कर सकते हो ना ना ड्राइविंग दिस दिस कार कार कि कोई 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 भी भी दिक्कत नहीं होने वाला इसमें और इन यू विल गेट 37 लीटर फ्यूल कैपेसिटी तो अच्छा रेंज आपको प्रोवाइड करेगा देखो इसको इसको कॉम्पैक्ट के साथ मत कंपेयर कंपेयर करो इसको आप करो तो एडिशन बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे श्री को ठीक है अभी मास्क नहीं, नहीं है क्योंकि गाड़ी के अंदर थे <laughs> तो ठीक है भाई बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वन सेकंड थैंकोल थैंक यू सो मच शुभोल ओके तो जो करना सोच तो समझ तो के करना बिना सोच के कुछ मत करना मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स वीडियो में टेक केयर ऑन नेक्स्ट वीडियो अगर आपको भी फीचर करना है आपके गाड़ी चैनल में अपना बाइक चैनल में तो क्या करना है आपको बस मेल करना है दीपांगामा एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इन 24 फोर आवर्स के अंदर गारंटेड रिप्लाई मिल जाएगा विल रिप्लाई विल मीट एंड विल मेक अ ग्रेट ब्लॉग टुगेदर अगर फॉलो नहीं करे हो दीपांगामा को तो इंस्टाग्राम में तो क्या करे हो जी जाओ जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में